तो दोस्तों, कैसे हो आप? सब खैरियत होगा? मैंने ये जो सब वूफर प्री एम्पलीफायर है, जो मैंने banggood.com से ऑर्डर किया था, जिसका वीडियो मैंने बताया पहले बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये दूसरा वीडियो है, कल एक बनाया, आज एक दूसरा बनाया है। ये 4440 का रेगुलर एम्पलीफायर है, और ये दो 8 इंच के सब वूफर है। एक मैग्नेट इसका है, एक फ्रेडो का है, जो मैं 4440 पर आपको दो सब वूफर ये प्री एम्पलीफायर के साथ चला के आपको दिखाऊंगा। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस बस यही था कि ये बोर्ड के अंदर स्टेरियो इन होता है और स्टेरियो आउट होता है, जिससे दो स्पीकर, दो सब वूफर साथ में आप प्ले कर सकते हैं। बस यही मेरा पर्पस था बनाने का। तो आप अगर ऐसे दो एम्पलीफायर लगाते हैं, दो मोनो एम्पलीफायर लगाते हैं, तो आप ड्यूअल स्टेरियो मोनो एम्पलीफायर से बना सकते हैं और म्यूज़िक का ज़्यादा एंजॉयमेंट कर सकते हैं। बस यही मेरा पर्पस था बनाने का। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 200 वूफर में अगर लेफ्ट, और एक में लेफ्ट चैनल और एक में राइट चैनल देते हैं, तो साउंड कैसा आता है, जो मुझे बताने का बस यही मेरा मकसद था। तो मैं आपको ऑन करके आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा बजता है। अभी मैं ऑन कर रहा है, तो आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। ये तो बिल्कुल सिंपल ही 4440 वाला रेगुलर छोटा एम्पलीफायर है। अगर उसको बड़े एम्पलीफायर पर लगाते हैं तो बहुत अच्छा साउंड देगा। तो मैं कल उसका एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं बड़ा एम्पलीफायर लगाऊंगा। ये सिर्फ छोटे एम्पलीफायर से मैंने टेस्ट किया। कल मैं उसको एक थोड़ा बड़ा एम्पलीफायर, स्टेरियो एम्पलीफायर ही लगाऊंगा, जो ड्यूअल चैनल वाला आता है, उसमें आपको ये मैं टेस्ट करके आपको बताऊंगा। तो अभी देखो, ये बहुत अच्छा बेस दे रहा है, देखो सर। और इससे बास ट्रबल के बोर्ड से आप एक्स्ट्रा बेस भी दे सकते हैं। देखो ये देखो, थोड़ा कम हो गया है ना यहाँ से। अगर यहाँ से बेस बढ़ाएंगे तो और बेस बढ़ेगा। देखो, ये अच्छा ऑप्शन है। देखो, कम कर दिया, ये मैंने कम कर दिया, यहाँ से बेट बढ़ाया। तो दोनों दो सपोर्ट मिलते हैं उससे, एम्पलीफायर से बास ट्रबल का एम्पलीफायर लगा देते हैं तो इस तरह बहुत अच्छा। मैंने ऐसा नहीं सोचा था ऐसा होगा, लेकिन बहुत अच्छा ये परफॉर्मेंस दे रहा है।
अभी ये वीडियो मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।